भारत से पंगा लेना अमेरिका को भारी पड़ गया है। कुछ दिन भले ही अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को गले लगाया, लेकिन अब उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान अपनी हर नाकामी का मलबा भारत पर डालने का आदी है। अब पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है और वो इस समय IMF का लोन भी नहीं चुका सकता। FATF की बैठक से पहले इस तरह का बयान आना पाकिस्तान के लिए घातक साबित हो सकता है। भारत पहले ही दावा कर रहा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए झूठ पर झूठ बोल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक भारतीय अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज भी आतंकवादी शिविर मौजूद हैं। ये बात वैसे तो बिल्कुल ही सही है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, कई सारे देश हैं जो इंडिया को पूरी तरीके से मक्खन लगाने में लगे रहते हैं। अलग अलग तरीके वो अपनाते रहते हैं, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, अलग अलग तरीकों से पूरा उनका जो है वो सिस्टम रहता है। यहाँ पे आएंगे तो शायद कि कुछ कुछ ऐसे आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चे को हाथ में उसका फेवरेट खिलौना दे दिया जाए ना, तब जैसे उसके रिएक्शन होते हैं वैसे उनके रिएक्शन देखने को मिलते हैं जब वो इंडिया का दौरा करते हैं। कई बार आपने तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन इधर हमें देखना पड़ेगा पाकिस्तान भी तो कोई बहुत गुड बॉय नहीं है। पाकिस्तान ने भी तो जब से FATF से निकले बाहर तो कैसे निकले, इनका एक्स प्राइम मिनिस्टर और होने वाला प्राइम मिनिस्टर आतंकवादी इनके देश में घोषित है, इनके यहाँ पे चाइनीज़ अभी मारे आ रहे हैं, इनके यहाँ पे अभी बलोचों को इस तरीके से मारा जा रहा है। इतने सब चीज़ें होने के बाद ये बार बार आतंकवाद के सप्लाई करने में पीछे से इनका पता चल जाता है, इतनी सब चीज़ें होने के बाद भी ये क्या सोच है जो ये निकल जाएंगे FATF की ग्रे लिस्ट से। बहरहाल आपको बता दें कि FATF की ग्रे लिस्ट में किसी देश का होना ये दिखाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोक नहीं पा रहा है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से किसी भी देश को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय प्रणाली तक पहुंचना प्रतिबंधित हो जाता है। देश को अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने में दिक्कतें आती हैं। और अमेरिका ने दो ऐसे बड़े कदम उठाए हैं जिसने ये दिखा दिया है कि भारत के सामने पाकिस्तान की क्या हैसियत है। सबसे पहले तो अमेरिका ने अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति यानी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में पाकिस्तान का उल्लेख तक नहीं किया। उससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान ने पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। इस एक बयान से पाकिस्तान में तूफान खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। बैठता हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमने नलायक लोगों को यहाँ मुसल्लत किया और जो आप बार बार कहते हैं कोई ना कोई करप्शन कोई फर्क नहीं पैदा, योर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ करप्शन हैज ब्रॉट अस टू द नीज, इस दुनिया में जलील ख्वार कर दिया कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जाके गली गली में कह रहे हैं मारे गए हैं अब ओके आओ बटी साहब। मैं UAE के होके आया, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। चाहे पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पैसा देना हो या फिर अमेरिकी राजदूत का POK में जाना और उसे आजाद कश्मीर कहना, भारत ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलती का एहसास कराया। अब खुद जो बाइडेन की सरकार अपने इन फैसलों की वजह से घिरती जा रही है। भारत ने तो सबके सामने अमेरिका को सुनाया ही, लेकिन अब अमेरिका में ही जो बाइडेन प्रशासन के इन फैसलों का विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से ये डिमांड कर रहा है कि उसका लोन। इसी बीच पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार IMF से बातचीत करने के लिए अमेरिका पहुंच गए हैं। भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने जिस पाकिस्तान को गले लगाया था अब उसी पाकिस्तान का गला काट दिया है। दरअसल भारत ने अमेरिका और पाकिस्तान की नजदीकियों का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कहा कि पाकिस्तान से दोस्ती करके ना तो अमेरिका को कभी कुछ हासिल हुआ है और ना ही हासिल होगा। जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान है, क्योंकि इस देश के पास बिना किसी समझौते के ही परमाणु हथियार हैं। अमेरिका का ये बयान पाकिस्तान के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। देखिए हुआ कुछ यूं है कि व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान प्रेस सेक्रेटरी ने ये कहा कि दिस इज नथिंग न्यू,
कि ये जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये जो बात की है ये कोई नई बात तो नहीं है। इसका एक एंगल तो ये है कि उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर प्रेसिडेंट बाइडेन ने कोई ऐसी बात कह दी तो क्या हो गया, आपको ये बात पहली दफ़ा कही गई है, आपने ये बात पहली मरतबा सुनी है अपने मुतालिक, सभी उठ के आपको ये वाली बात कहते रहते हैं, ये तो जिसके जो मुँह उठा के जिसका दिल करे वो आपको ये कह देता है क्योंकि ये प्रॉब्लम है आपके पास, और तो और के बाहर के लोग नहीं, आपके तो अंदर के लोग ये कहते रहे हैं। एक तो इसके अंदर ये है कि आपके तो अपने लोग इस पर ये बात करते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि ये बड़ा ख़तरनाक है, तीन टुकड़े और ये ले लिए जाएंगे, सब कर दिया जाएगा। आपके तो अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अभी कई दिन से वो ये वाली बात करते चले आ रहे हैं। अगर आपको याद हो, ये बात मैंने आपसे पहले भी आपको बताई है कि 2007 में जो न्यूज़वीक शाया हुआ था उसमें भी उसके एक शुमारे में ये बात की गई थी कि पाकिस्तान इराक़ से ज़्यादा डेंजरस कंट्री है। उस वक्त इराक की आप सिचुएशन देख लें क्या थी, ठीक है, तो उस वक्त ये कहा गया था मोर डेंजरस दैन इराक। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में 8 बार भारत का जिक्र किया है, जबकि इस दस्तावेज में पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका पाकिस्तान को लेकर पूरी तरह से पलट गया। IMF से इसे रीशेड्यूल करने की भीख मांग रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि दुनिया के सभी बड़े ओहदों पर भारतीय बैठे हैं, IMF पर भी भारतीयों का कब्जा है, हमें अब और रिलीफ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी वित्त मंत्री अमेरिका पहुंचे तो उनका स्वागत वहां चोर चोर के नारों से हुआ। IMF ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है, इंडियन नसरात की ड्यूटी लगाई है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर लगानी चाहिए थी, अगर लगाई है, ये रिपोर्ट अभी न्यूज है, अगर इसकी कन्फर्मेशन होती है तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया? ये नहीं ठीक किया, IMF ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इससे हमारे जो हम ये चाह रहे ना कि हमारी दोस्ती या हमारे ठीक है, वो क्या हम अगर पॉजिटिव सोचें तो उसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो हमारी फेवर करें, IMF के साथ जाके हमारी डील्स बेहतर से बेहतरीन करवाएं, हम नेगेटिव ही क्यों सोचें? बिल्कुल, उन्होंने इसकी थोड़ी सी वजाहत भी दी, उन्होंने कहा देखें हमने तो इसलिए कहा है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो एक सिक्योर और प्रॉस्परस पाकिस्तान है वो अमेरिका के इंटरेस्ट में है, तो हम तो आप खुशहाल देखना चाहते हैं, आपको महफूज देखना चाहते हैं, हम इसलिए आपके अंदर गलतियाँ जो हैं वो आपको बता रहे हैं। हो सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि इंडिया की तरफ से वहाँ पर ये बात की गई, और देखें उनकी अगर लॉबिंग स्ट्रॉन्ग है जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये बात की गई होगी कि हमारी कंट्री के खिलाफ या आपने हमारे खिलाफ ये वाली बात की है, जो ये हर तरफ ये पाकिस्तान भी ये कह रहा है, दूसरे कंट्रीज़ भी इसी पे बात कर रहे हैं कि वेस्ट इंडिया के खिलाफ हो गया है, तो क्या आप वाकई खिलाफ हो गए? आप हो गए हैं तो हमें बता दें। इस सिलसिले में अगर कोई ऐसी बातचीत की गई है तो फिर उसके जवाब में अमरीका क्या करता, अमरीका क्या करेगा? अमरीका ये करेगा कि अच्छा, क्योंकि अमरीका की बहुत बड़ी ट्रेड है, अमरीका के बहुत बड़े मुआशी मफादात जुड़े हुए हैं भारत से, वो उसको पीछे नहीं रख सकता। कोई भी कंट्री इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की बिलियंस डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ होती है, कोई कंट्री अपने मुआशी मफादात को पीछे नहीं रखता। जब हम देखते हैं UAE, तुर्की से फलाने फलाने जो कि इतने सभ्य कंट्रीज, कम से कम पाकिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा सभ्य माने जाते हैं, जो पाकिस्तान से तो बहुत ही कम या शायद बहुत ही कम, UAE जैसे देश में तो शायद ही हमने देखा हो कुछ एक आतंकवादी संगठन जो UAE में पनपते होंगे, पर उस तरीके से मेन स्ट्रीम में हमने उसको नहीं देखा है। उसके बावजूद भी जब वो ग्रे लिस्ट हो जाते हैं उस टाइप के देश भी, तब पाकिस्तान का तो फिर तो ये तो उम्मीद भी अगर कर रहे हैं कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर वाकई में आ जाएंगे बहुत लंबे समय के लिए, तो वो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात होगी। आप देखो, जब ये तकरीबन 3.5-3 महीने पहले जब ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने की बात हुई, तब कितने ज़्यादा जश्न मन रहे थे पाकिस्तान में, कितनी ज़्यादा मतलब इतना तो शायद कभी ये लोग नहीं नाचे होंगे, अपने घरवालों की शादी में इतना नहीं नाचे होंगे जितना तब नाचे थे। पर हुआ क्या उसका, तो ये हुआ फिर एफिडेविट सा हुआ कि भाई पहले तो अक्टूबर के महीने में हमारी टीम आएगी, चेक करेगी कि हाँ आप लोग इस लायक हो या नहीं हो, उसके बाद फिर सोचेंगे। तो उसके बाद से क्या क्या हो गया, उसके बाद से आप देखो, एक तरफ तो उनका जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। अभी का भी आप देखो जो इनके हैं, इनका जो गृह मंत्री है वो भी पुराना टेररिस्ट घोषित, टेररिस्ट नहीं खैर वो ड्रग्स के केस में वो भी अंदर जेल जा चुका है। इनका जो मौजूदा प्रधानमंत्री है उस पर भी कई सारे जो है पुराने केसेस चल रहे हैं, केसेस ख़त्म करने के बताते आया है, अलग अलग चीज़ें हैं। इसी बीच में फिर से चाइनीज़ डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी और डॉक्टर के यहाँ पे जो एक रिसेप्शनिस्ट था, तीनों चाइनीज़, उन पे हमला हो जाता है, इसमें से तीनों में से एक की मौत हो जाती है, दो की हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक है, अभी भी अस्पताल में ही पड़े हुए हैं। ये तकरीबन जो आपको हमने वीडियो शेयर किया था 15 दिन पहले की बात है। उसके अलावा क्या क्या नहीं होता है, इनके देश के अंदर इनका कोर कमांडर,
कोर कमांडर पाकिस्तान जैसे देश में आप समझ लो गिनती के 10-12 होते हैं, उसमें से भी एक मार दिया जाए 22-23 करोड़ के देश में जो 10-12 होते हैं, जो जो पोस्ट पे सिर्फ लोग बैठते हैं, उसमें से भी एक मार दिया तो कितनी बड़ी बात है। 2 हेलीकॉप्टर इनके गिराए जा चुके हैं आतंकवादियों के द्वारा, और इन्होंने खुद भी कबूला कि हाँ आतंकवादियों के ही द्वारा ये सब हुआ है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, दुनिया जान की चीज़ें हो रही हैं, फिर ये उम्मीद रखते हैं कि, और उसके बाद तो आप देखो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति ने खुद कह दिया कि भाई एक सेफ कंट्री नहीं है, यहाँ जाना ही छोड़ दें। आप देखो वैसे तो ये इतिहास हमने देखा है, जब जब अमेरिका किसी भी हमला करने वाला होता है, चाहे वो यूक्रेन हो चाहे वो और किसी हो, हमला क्या मतलब वहाँ से वहाँ पे वॉर की सिचुएशन होती है, जिसमें अमेरिका या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमला करवाना चाहता होता है, तब तब वहाँ पे वो पहले अपने लोगों को थोड़ी सी ऐसा कुछ हिमायत सी दे देता है कि भाई आप वहाँ पर जाना बंद कर दें। अब ये तो पता है सबको कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ना हमला करने वाला है ना उसकी सोच भी सकता, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना ये अपने पैसे बर्बादी करने वाली बात होगी और उससे कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, तो वो तो नहीं करने वाला है। पर सिग्नल है कि बिना हमला किए, और हमला करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिना हमला किए इतना इनको छका छका के मारेंगे कि ये सातों जन्म तो भूल नहीं पाएंगे, वो सज़ा जो इनको है ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी मिलने वाली है।